अधिपति पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एएमडी इंडस्ट्रीज जो कि पैकेजिंग सेक्टर की कंपनी है उस पर चर्चा करेंगे। यह कंपनी भारत के अग्रणी निवेशक सुब्रमण्यम पीजी के पोर्टफोलियो का भी हिस्सा है। कंपनी के अलग अलग बिजनेस सेगमेंट है, मुख्यतः चार बिजनेस सेगमेंट है कंपनी के। क्राउन कैप्स इनका मुख्य उत्पाद है, प्रमुख प्रोडक्ट है क्राउन कैप्स। दूसरा है सीएचडी क्लोजर्स, तीसरा पीईटी प्रीफॉर्म्स और चौथा है पीईटी बोटल्स। ये चार उत्पाद हैं कंपनी के। अगर आप क्राउन कैप्स नहीं जानते हैं तो क्राउन कैप्स के बारे में बता दूं। पहले आपको ध्यान होगा कि ग्लास के मतलब कांच के बोतल में कोको कोला, थम्सअप या पेप्सी या दूसरे ऐसे ब्रांड जो है कार्बोनेटेड ड्रिंकिंग वाटर मिलते थे, तो उनके ऊपर कैप होती थी। बहुत लोग उसको जमा भी करते थे शौक के, बस कैप होती थी स्टील की, उसको कहते हैं क्राउन कैप। तो बहुत लोग क्राउन कैप जमा भी करते थे। तो ये जो क्राउन कैप है इनका इस्तेमाल ज्यादातर ये कांच की बोतलों के ऊपर होता है, जैसे हो गया कोको कोला, हो गया कार्बोनेटेड ड्रिंक वाटर, हो गया आजकल वो प्लास्टिक के बोटल्स में भी मिल रही हैं और कागज के पैकेजिंग में भी मिल रहा है। तो पहले ज्यादातर कांच ही ज्यादा इस्तेमाल होता था, कांच की जगह दूसरे विकल्प भी आ गए हैं। क्राउन कैप्स की अगर हम बात करें तो कंपनी तीन तरह के क्राउन कैप्स बनाती है, जैसे पीवीसी स्पन क्राउन कैप, मोल्डेड क्राउन कैप्स, ड्राई ब्लेंड क्राउन कैप। तो तीन अलग अलग तरह के क्राउन कैप बनाने के कारोबार में कंपनी है, पीवीसी स्पन, मोल्डेड और ड्राई ब्लेंड। कंपनी जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट है और बियर इंडस्ट्री है, ये दो जगह ही ज्यादातर आपके कांच की बोतलें पहले बहुत ज्यादा मिलती थी, अब तो अल्टरनेटिव आ गए हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अब अल्टरनेट के रूप में आपको दूसरे चीजें भी मिल जा रही हैं, जैसे प्लास्टिक या कागज के पैकेजिंग में भी सॉफ्ट ड्रिंक ये मिल जा रही है। तो जो क्राउन कैप्स था इनका वन स्टॉप सॉल्यूशन था, हर तरह के क्राउन कैप कंपनी देती थी। कंपनी के दो डिवीजन है, एक प्लास्टिक और दूसरा क्राउन का डिवीजन। क्राउन का डिवीजन एक अच्छा कारोबार था, बड़ा कारोबार था कंपनी के लिए और बड़े कस्टमर्स भी थे इसमें। प्लास्टिक डिवीजन जो है वो कंपनी का एक तरह से जेनरिक प्रोडक्ट है, मतलब मेन रेवेन्यू कंपनी की क्राउन कैप से आती थी, प्लास्टिक से प्रमुख रेवेन्यू से कंपनी का नहीं आता था। अगर हम लॉन्ग टर्म प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का प्राइस परफॉर्मेंस लगातार देखिए गिरा है, अगर हम 2008 के लेवलों से बात करें। लेकिन विगत कुछ वर्षों से 2009 से लेकर 2021 तक आप देखिए तो ये 20 रुपए के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर जाता है, बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं होता। 20 रुपए के रेंज में कंपनी चल रही है, तो एक लॉन्ग कंसोलिडेशन कंपनी का इसी रेंज पे हो रहा है। क्राउन कैप्स का इस्तेमाल धीरे धीरे कम हुआ है, यह एक नेगेटिव न्यूज है कंपनी का। फिर भी इनका एक अच्छा टाई अप है जिसके कारण आप एक फ्लैट परफॉर्मेंस देखेंगे। कंपनी डाइवर्सिफाई भी कर रही है दूसरे क्षेत्रों में। मार्केट कैप सिर्फ 55 करोड़ का है, तो बहुत ही छोटी कंपनी है और एक लॉन्ग कंसोलिडेशन फेज में कंपनी अभी भी है। इनके पोर्टफोलियो के बाकी स्टॉक्स का विश्लेषण मैंने अपने वेबसाइट moneypati.com पे किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। भविष्य के वीडियो की जानकारी के लिए आप मणिपति यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करें। क्लिक के बाद एक घंटी दिखाई देगी, उस पर क्लिक करें। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सेबी पंजीकृत नहीं हूँ। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वह मेरी खुद की रिसर्च है और मैं इसे साझा करता हूँ ताकि दूसरों को मदद मिल सके। धन्यवाद।